हेलो एवरीवन, दिस इज हमाद सैयद और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने लगे हैं फिफाइन T669 माइक्रोफोन, जो कि USB है, प्लग एंड प्ले है, जो कि आप पॉडकास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप जो है स्काइप कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी कि इस पैकेज में क्या निकलता है अमेज़न प्राइम से। ओह माय गॉड, इट्स अ बिग बॉक्स। लेट्स तो जनाब, ये है हमारे पास फिफाइन T669 माइक्रोफोन, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है स्काइप रिकॉर्डिंग के लिए, पॉडकास्टिंग के लिए, ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए और बहुत कुछ। बजट में है, जो कि आप $50 to $60 में परचेज कर सकते हैं। मैंने परचेज किया है 270 दिरहम में। आप इनको प्राइस में कन्वर्ट करके देख लें। चले जनाब, देखते हैं, ओपन करते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। चलिए जनाब, तो ओपन करते हैं जी। ये है इसकी सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलेगी, सबसे पहले यूज़र गाइड। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी है, लेकिन अभी मैं इसको पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन बाद में ज़रूर पढ़ूँगा। उसके बाद जनाब, ये है हमारे पास पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर की क्वालिटी अच्छी है, अगर आप देखें तो इसका ये मेटल आर्म है, स्टील से बना हुआ है और ये बॉडी इसकी प्लास्टिक की है और क्वालिटी अच्छी है। बूम, वाओ, लुक वेरी नाइस, क्लीन लुक है, पैकिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ हमें मिली, बैकअप केबल है, जो कि हम बैकअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब देखिए, वाओ, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है। लेट्स सी, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है हमारे पास। ये है शॉक माउंट, जो कि आपके माइक को जो है ना, वो झटकों से या शॉक से वो महफूज रखेगा जब हम इसको असेंबल करेंगे। तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा है इसकी, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, आई लाइक इट। चले नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये है जनाब विंडस्क्रीन। ओके, इसको माइक के ऊपर हम यूज़ करेंगे। ये है जनाब मेन USB केबल, जो कि आपके माइक को कनेक्ट करेगी आपके लैपटॉप के साथ, आपके PC के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये है हमारे पास सीज़र आर्म। यस, ये इनकी सबसे मेन चीज़ है, जो कि आपके माइक को जो है वो एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगी। इस तरह से इसके दो जो है, इस तरफ हमारा जो है वो माइक लगेगा और इस तरफ हम इसका क्लैंप लगाएंगे, ताकि इसको हम टेबल में या कंप्यूटर डेस्क में अटैच कर सकें। ये है हमारे पास बोनस में छोटा ट्राईपॉड। अगर आप वो एक्सटेंशन सीज़र आर्म नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप ये ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स क्वाइट गुड, अगर आप टेबल पर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करें। आई थिंक ये जो है 4 इंच का है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास क्लैंप, जिसको हम ये जो सीज़र आर्म है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इसको टेबल में एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इसका है, इस तरह से हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे, इधर से इसको स्क्रू टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसको हम टेबल में जो है वो लगा सकते हैं। लास्ट हमारे पास है जनाब माइक। यस, यह है जनाब माइक फिफाइन T669। देखने में इसकी जो है लुक बहुत अच्छी है, और इसमें जो सबसे चीज़ है, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है सिर्फ, और इसके बाद इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। नीचे अगर हम देखें तो नीचे इसमें आपको USB केबल कनेक्टर मिलेगा, दैट्स इट। ये है जनाब हमारे पास फिफाइन, और इसकी लुक अगर देखें तो बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। हेलो जी, तो फिफाइन का जो है वो T669 इंस्टॉल हो चुका है, तो हम उसका क्वालिटी टेस्ट करने लगे हैं। तो ये ट्राईपॉड पे मैंने जो है वो माइक को सेट कर लिया है, केबल लगा दी है और उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है। लैपटॉप के साथ कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया, जस्ट प्लग एंड प्ले USB के साथ केबल लगाई और माइक इंस्टॉल। उसके बाद इसका क्वालिटी टेस्ट हम चेक कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरा माउस और माइक का डिस्टेंस आप देख रहे हैं। उसके बाद ये सिर्फ इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वॉल्यूम इस टाइम मिड पर ही है। आई थिंक अगर ये मिड पर ही रहे तो वॉइस क्वालिटी सही रहती है। जैसे कि अगर देखिएगा, मैं वॉल्यूम को इनक्रीज करता जाऊंगा तो वॉइस क्वालिटी
खराब होती जाएगी, वॉइस डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा, इसको और रिकमेंडेड भी है कि इसको आप मिड पर ही रखें, मिड पॉइंट पर, तो आपकी वॉइस क्वालिटी सही रहेगी।